भारतीय संस्कृति की महानता इतनी है, यहाँ की प्रत्येक परंपरा पूर्ण रूप से विज्ञान पर टिकी हुई है। आज आपको हम पान के लाभ बताएंगे। ये पान की पूरी प्रक्रिया है। पान का पत्ता लिया जाता है, फिर इसके ऊपर चूना लगाया जाता है और सुपारी डाली जाती है, उसके बाद सौंफ डाली जाती है। ये अभी सुपारी डाली गई है, उसके बाद सौंफ डाली जाती है। और आप बहुत सारे लोगों को पता होगा, शादी से पहले दूल्हा राजा जब जाता है तो ये पान खिलाया जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो पान बनाया जाता, पान के पत्ते में शुक्राणुओं की संख्या यानी कि संतान पैदा करने की क्षमता अधिक होती है। चूने में भी शुक्राणुओं की संख्या अधिक होती है। अभी मैं भाई से जानूंगा इसमें क्या क्या मिलाया है। भाई जी, क्या क्या आपने इसके अंदर मिलाया? सात सुपारी है, चूना है, बड़ी सौंफ है, इलायची है, लौंग है, केसर है। तो केसर है। तो समाज को जागरूकता के लिए मैं बता रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा पान खाए, लेकिन जर्दे वाला पान ना खाए। ये पान दूल्हों को इसलिए खिलाया जाता था कि शरीर में ताकत बढ़े, शुक्राणु बढ़े और अच्छी संतान का जन्म हो सके। चूना भी शुक्राणु बढ़ाता है, पान के पत्ते भी शुक्राणु बढ़ाते हैं। तो ऐसा पान आप अवश्य प्रयोग करें। देखिए, ये इसमें चूना मिलाया गया है, इधर इसमें सौंफ है जो त्रिदोष शरीर को, पित्त को शांत करती है, और साथ में बहुत सारी औषधियां हैं। फिर कभी इस पर हम विस्तार से वीडियो बनाएंगे। तो भारतीय परंपराओं को अपनाएं और पान का इस्तेमाल करें। आपका शुभ नाम क्या? नाम आपका मोनू। कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी। ठीक है।